नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र काफी गर्माहट के साथ, नोक झोंक के साथ, बहसा बहसी के साथ, आरोप प्रत्यारोप के साथ चल रहा है। कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा है। जहां एक ओर सत्ताधारी दल माने बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिराने में लगी हुई है, अपने सरकार की गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता, सुचिता, सख्त रवैया प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो कतिपय मुद्दों को लेकर के घेरने में लगा है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना हो गया है। अब मुद्दा इसलिए भी जातीय जनगणना हो गया क्योंकि इसकी पहल समाजवादी पार्टी ने की है। हालांकि इसकी पहल हुई थी बिहार से और फिर वो आ गई उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ने ये माना कि जातीय जनगणना से जो एक पिछड़ा वर्ग का वोट है उसकी सही भागीदारी सामने आएगी और उस भागीदारी से राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ जाएगी, इसलिए समाजवादी पार्टी ने इसे उठाया। एक अच्छी बात यह भी थी कि जब ये मुद्दा उठाया गया तो तमाम दलों की एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आई, यहां तक कि भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जब मामला बिल्कुल गर्माता गया तो केशव प्रसाद मौर्य को भी पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि बीजेपी की नीति अभी ये नहीं है कि जातीय जनगणना कराई जाए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह कह करके पल्ला झाड़ लिया, अरे अरे ये तो सपा ढोंग कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी सरकार में है, निषाद पार्टी, अपना दल, इनके नेता भी जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उनके भी जो तेवर हैं वो भी ठंडे पड़े हुए हैं। समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन ठंडे पड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये भी आ गई है कि आज ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि ये जो जातीय जनगणना है इस पर छुटभैये नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य पर था, उनका इशारा सीधे तौर पर संजय निषाद पर था, अपना दल के नेता आशीष पटेल पर भी था, तो उनका एक इशारा था और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे पे सीएम बोले, पीएम बोले, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि किस तरीके से जो है ये मुद्दा जो है वार्म अप हो रहा है। क्योंकि लगता ये है कि 2024 के चुनाव के लिए ये मुद्दा बहुत तेजी के साथ गर्माया जा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस पर बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सीधे तौर पर जो है मुख्यमंत्री को। हालांकि विधानसभा में ये कह दिया गया, सरकार ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों? जाति जनगणना कराने का काम जो है केंद्र सरकार का है, अगर केंद्र सरकार कराती है तो हम कराएंगे,
माने कि यूपी सरकार ने अपनी गेंद, अपना मुद्दा जो है सीधे सीधे केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। अब केंद्र सरकार को ये देखना है कि किस तरीके से उसको टैकल किया जाता। हालांकि केंद्र सरकार तो इस मामले में बहुत जो है चुप है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से ये मुद्दा चला उसको देखते हुए जो है केंद्र सरकार चुप है। और एक देखिए, जातीय जनगणना से एक बात और सामने आ गई। सामने ये बात आई कि इस समय जो रामचरितमानस का मुद्दा चल रहा था वो भी पीछे हो गया। जातीय जनगणना, अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि शूद्र कौन होता है। मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि हाँ हाँ, जब मौका आएगा तो हम बता भी देंगे कि शूद्र कौन होता है। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है, अखिलेश के मुंह से एक दिन भी शूद्र शब्द नहीं निकला, मानस की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मुद्दा तो बीजेपी की पिच में हमको खेलने के लिए उठा दिया गया है, और अगर हम ये मुद्दा लेकर के चलेंगे मानस का तो फिर क्या है, राम राम सब हो जाएगा और हम पीछे ढकेल दिए जाएंगे। इसलिए उनके जो दो बड़े नेता शिवपाल और चौधरी रामगोपाल, दोनों ने इससे पल्ला झाड़ दिया और कहा नहीं नहीं, धार्मिक मुद्दों पर हमको नहीं बोलना है। फिर जो है तुरंत इसी बात पर अखिलेश भी उतर आए और अखिलेश ने भी साफ शब्दों में अपने लोगों को हिदायत दे दी कि धार्मिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये उसी हिदायत का फल है कि हमारे यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अब पूरी तरीके से चुप हो गए हैं और तेजी के साथ मुद्दा हो रहा। दूसरी चीज, अब इस बार विपक्ष के भी तेवर दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ एक अच्छा खासा बहुमत आ गया है। समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी अपने को बिल्कुल ज्वलंत रखना चाहती है। अब रोज देखिए, अखिलेश यादव में और वित्त मंत्री में कल नोकझोंक हो गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है, एक नंबर पर तो गुजरात है, और यूपी के बारे में कहा जा रहा हम तो नंबर एक की ओर बढ़ रहे हैं। नोकझोंक हुई, कहां से ले आए आप आंकड़ा बताइए, उस मीडिया कंसर्न का नाम बता दिया अखिलेश ने, और कहा कि एक जो क्रेडिट वाली कंपनी है उसने ये किया। उनका क्रेडिट वाले कंपनी का नाम बता दीजिए, उनका नाम बता के क्या गिरफ्तारी होगी, जैसे कि पवन खेड़ा की हो गई। माने अब इतनी नोकझोंक चल रही है, मंत्री हों, और कभी कभी एक बात लगता है कि जैसे विधानसभा में बात होनी चाहिए मुद्दों की, जनता के जो है सवालों की, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो मुख्यमंत्री जी फुटबॉल खेल रहे हैं, फलाने मंत्री जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनका उनके चाचा लूट ले गए और पैसा कहाँ चला गया, ये बातें होती हैं। अरे बातें आप करिए जनता के सवालों की, उन पर चर्चा करिए, लेकिन कोई नहीं करता। परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि जनता की बातें खुल करके लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, और आज की जितनी भी खबरें चल रही हैं उसमें विधानसभा का जो सत्र है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण। हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सपा के विधायक इरफान सोलंकी न्यायिक प्रक्रिया में लगातार उलझते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे न्यायिक प्रक्रिया में उनकी छटपटाहट देखने को मिलती है। हाई कोर्ट जाते हैं, अग्रिम जमानत मिल जाए, जो है आरोप झूठे हों, सब जगह जाते हैं, लेकिन सब जगह से मुंह की खानी पड़ रही है।
कहीं से भी राहत की कोई बात ही नहीं मिल रही है, बल्कि अब तो ये लग रहा है कि इरफान सोलंकी के मामलों की जांच जिस तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट में होगी उससे रिजल्ट भी जल्दी आएगा। माने कि ये कुछ केस ऐसे हैं जिसमें सबसे प्रमुख जो उनके खिलाफ केस है वो महिला की जो है झोपड़ी में आग लगाना कब्जे के लिए। कहते हैं कि इस पर फैसला जल्दी आएगा क्योंकि इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है, कोई बहसा वैसी ज़्यादा होनी नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष के पास कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, क्योंकि मौके पर कोई था नहीं और पुलिस ने अपने ढंग से तो साक्ष्य एकत्र कर ही लिए। इसलिए लगता है कि जल्दी फैसला आएगा। अब ये फैसला उनके लिए गड़बड़ भी हो सकता है। तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इरफान सोलंकी को आज फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में महाराजगंज से कानपुर लाया गया। और ये जब उनका आना होता है उस समय भी एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, भारी पुलिस फोर्स तैनात करना, भीड़ रंगना, धक्का मुक्की होना, जो इरफान के जो समर्थक हैं वो सब कहीं चारों ओर से घेराबंदी करना, ये सब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि अगर देखा जाए तो शुरुआत में इरफान सोलंकी काफी मायूस नजर आते थे, कई बार तो ये हुआ कि रोते हुए दिखाई दिए, अपने परिजनों के साथ रोते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब लगता है कि धीरे 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 उनमें कहीं ना कहीं एक मजबूती आ रही है। तो जो बॉडी लैंग्वेज उनकी पहले थी आज उसमें फर्क है, चेहरा भी खिला हुआ दिखा रहे हैं, हाथ भी हिला रहे हैं, माने सबको बता रहे हैं कि निश्चिंत रहो हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कष्ट बहुत है। अबाजी के लिए बताया गया कि महाराजगंज से सुबह 3 बजे चले और 11:30 बजे यहाँ आए। अब कष्ट क्यों नहीं होगा, जेल माने ही कष्ट होता है, जेल माने ही आपको सजा और जेल माने ही सुविधाओं से वंचित, तो क्यों नहीं होगा। तो कष्ट तो आपको होना ही है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप अपने समर्थकों को मायूस नहीं करते हैं, निराश नहीं करते हैं, ये चेहरा दिखा करके कि नहीं नहीं हम बड़े खुश हैं, हम सब कुछ ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और चर्चाएं तो बहुत है। दावा तो ये तक है वकीलों का कि इरफान सोलंकी को दोषी ठहराया जाना निश्चित है, क्योंकि अब तक जो साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं वो काफी पुख्ता है, उनके मुकाबले इरफान सोलंकी के साक्ष्य पुख्ता नहीं है। वहां तो जो है मोबाइल जो सर्विलांस और इनके माध्यम से ये देखा गया कि जहां पर आग लगी थी वहां आसपास इन लोगों की मौजूदगी थी। हालांकि इरफान सोलंकी लाए कि पटाखा छूटा था, उसकी फॉरेंसिक जांच भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मामला सही नहीं निकला। चूंकि मामला सही नहीं निकला इसलिए अब लगता ये है कि इरफान के बारे में जैसा वकीलों का मत है कि सजा होगी, और सब सजा होगी तो उनकी विधायकी पर भी तलवार लटकेगी, ये भी चर्चा शुरू हो गई।
क्योंकि लगातार 7-8 मुकदमे हो चुके हैं, संपत्तियां जब्त हो रही हैं, और अब तो उनके जो समर्थक हैं वो भी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब जो है इरफान सोलंकी का बाहर निकलना मुश्किल है। आगे क्या होता है देखिए, लेकिन इरफान सोलंकी की न्यायिक प्रक्रिया में छटपटाहट साफ दिखती है। एक आपको अजीबो गरीब समाचार और सुनाता हूं। यह समाचार है बस्ती जिले का। बस्ती जिले में 3 महिलाओं ने एक दरोगा जी को ठग लिया। अब ठग लिया तो ठग लिया खैर, लेकिन दरोगा जी के लिए समस्या देखिए क्या, कि दरोगा जी ठगे गए और उनका मुकदमा भी पुलिस में नहीं लिखा गया। माने कि 3 महिलाओं ने ठग लिया, दरोगा जी थाने पहुंचे, कहा साहब हमारी एप्लीकेशन ले लीजिए, मुकदमा कायम कर दीजिए, हमको ठग लिया गया है। पुलिस ने नहीं सुनी। अब इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कैसे मुकदमे कायम होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। खैर, दरोगा जी हारी मान करके कोर्ट चले गए और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया कि साहब क्या बताऊं, मेरे साथ ठगी हो गई, 3 महिलाओं ने हमको ठग लिया और हम थाने जा रहे हैं और थाने में हमारा मुकदमा ही नहीं लिखा जा रहा। तो फिर कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई इनका मुकदमा लिखा जाए और लिख करके आवश्यक विवेचना करके कार्रवाई की जाए। आप कहते हैं कि मुकदमा लिखा गया है न्यायालय के आदेश पर, और अब वहाँ की जो बस्ती पुलिस कहती है कि हाँ मुकदमा कायम हो गया है न्यायालय के आदेश पर, लेकिन विवेचना होगी और विवेचना में जो तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। माने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अब किस्सा क्या है, बस्ती में एक बल्लभ प्रसाद यादव दरोगा जी हैं। दरोगा जी की जो पत्नी थी उनका कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया। अब दरोगा जी अकेले रहने लगे, कोरोना के कारण उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई। दरोगा जी रहने लगे, कहते हैं बकौल दरोगा जी है, हम नहीं कह रहे हैं। दरोगा जी कहते हैं कि एक दिन मेरे पास एक मिस कॉल आई। जब मिस कॉल आई तो मैंने पलट को पूछ लिया, तो बताया एक महिला ने कि मेरा नाम रेनू है, मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और आप अकेले हैं, पत्नी आपकी है नहीं, निश्चित रूप से आपके सामने बहुत संकट होगा, तो हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं ताकि आपके मुश्किलों में मैं भी भागीदारी हो सकूं। बकौल दरोगा जी कहते हैं फोन पर उस महिला से, अरे नहीं नहीं भाई, मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई है, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है इसलिए कोई सवाल नहीं उठता है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। महिला उनको फिर समझाती है, अरे अरे ठीक है, उम्र ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, और उम्र का कहीं कोई अवसर भी नहीं रह गया ये बताया गया। दरोगा जी रेणु की बातों पर आ गए और 7 जनवरी 2022 को उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली। अब इस शादी में रेणु के परिवार की महिलाएं थीं, एक पुलिस का ड्राइवर भी था, ये सब लोग थे और शादी हो गई। दरोगा जी रहने लगे, रेणु जी उनके साथ देने लगी।
लेकिन इसी बीच में दरोगा जी घर पे नहीं थे, ड्यूटी गए थे, क्योंकि उनकी तैनाती पुलिस लाइन में है, कोई थाने वाने में तो है नहीं। तो दरोगा जी पुलिस लाइन में गए हुए थे, तो इसी बीच 22 फरवरी 2022 माने लगभग 15 दिन बाद, नहीं 15 दिन नहीं, कम से कम जो है 1 महीने से अधिक, जो है ये जो चारों महिलाएं थी, 3 महिलाएं माने रेनू, उनकी बहनें और उनकी सहेली, ये तीनों लोग घर आए दरोगा जी के, और तीनों लोगों ने आकर के दरोगा जी का जितना जेवर पैसा रुपया जो कुछ था वो सब लेकर के रफू चक्कर, और सब ले गए गायब, क्योंकि रेणु जी तो बिल्कुल घर की अधिदाष्ट्री थी ही, तो उन्हें सम्मलमय था कि कहाँ पैसा है, और लेकर के गायब हो गए। जब दरोगा जी घर आए तो देखा, अरे हमारी संपत्ति कहाँ चली गई, क्या परेशान हो गए। रेणु जी को फोन मिलाते रहे, रेणु जी का कोई अता पता नहीं। आखिर में चीखते चिल्लाते थाने पहुंचे, थाने ने मना कर दिया, अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा हुआ। ऐसा भी होता है, कृपया सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो। कहीं की उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उम्र के फर्क पड़ता है कि आपकी ढलती उम्र पे कैसे डाका पड़ता है, ये भी देख लीजिए, और देखते रहिए हमारी बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।